हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हीना बंसल केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने रेट लॉ थोड़ा सा पढ़ा था, आज हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि रेट कांस्टेंट और रेट लॉ क्या होता है। ठीक है जी, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। ये एक बच्चे की क्वायरी थी कि मैम आप केमिकल काइनेटिक्स अपलोड कीजिए। अगर और भी किसी बच्चे का कोई टॉपिक क्वेरी में है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, उसके लिए वीडियो जरूर अपलोड होएगी। सो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस? एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच वन और मोर केमिकल स्पीशीज रिएक्ट डायरेक्टली टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इन अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। मतलब ये है, क्या है कि कोई भी जब रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन में होएगा, वो एक से ज्यादा स्टेप रिएक्शन नहीं होएगी। ठीक है जी, ये होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ली है, 2A + B टू कन्वर्ट टू प्रोडक्ट इज रेट। ठीक है, प्रोडक्ट इज रेट लिख सकते हैं या फिर कल्ला प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे क्या शो हुआ है कि जो भी हमारा ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, इन अ सिंगल स्टेप, ये एलिमेंट्री रिएक्शन की एग्जांपल। इसको हम रेट में कैसे लिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू के ए, मतलब रिएक्टेंट, इसका जो कोफिशियंट है वो इसके पार में चला जाएगा, और बी ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो यहाँ पे के नहीं आएगा, क्योंकि के क्या है? कांस्टेंट। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो उसके बाद के आता है। ठीक है जी, जो इसका कोफिशियंट है ये इसके पावर में चला जाएगा, जो इसके पावर होएगी वो क्या होएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा। सो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको शॉर्ट में बताया कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा। यहाँ पे इसका एक और पॉइंट है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन एलिमेंट्री इज इक्वल्स टू मॉलिकुलैरिटी। मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होएगा एलिमेंट्री रिएक्शन में वो किसके इक्वल होएगा? मॉलिकुलैरिटी के इक्वल में होएगा। ये आप यहाँ पे याद रखना, मॉलिकुलैरिटी का मतलब भी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी डिटेल में। ठीक है जी, एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन विच अकर इन अ सिंगल स्टेप। मतलब रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होएगा तो वो सिंगल स्टेप में होएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच डोंट कम्प्लीट इन अ वन स्टेप। हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शंस जो होती हैं वो वन स्टेप में कम्प्लीट होती हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं वो एक से ज़्यादा स्टेप में कम्प्लीट होती हैं, वो सिंगल स्टेप में कम्प्लीट नहीं होती। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन दो स्टेप की भी हो सकती है, चार की भी हो सकती है, पाँच की भी हो सकती है, कितने स्टेप की भी हो सकती है, बट वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होएगी, इसलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या है, इन विच द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे नॉट इक्वल टू मॉलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मतलब हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जो एलिमेंट्री रिएक्शंस हैं उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल होएगा मॉलिकुलैरिटी के, बट इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इट मे नॉट बी इक्वल टू मॉलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। मतलब क्या है कि जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, उसको हम थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि वाई वी कांट आइडेंटिफाई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थ्योरेटिकली, ओनली डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। वाई? बिकॉज द एक्सपेरिमेंटली हम इसको फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि मान लो कि चार स्टेप की रिएक्शन है, फर्स्ट जो स्टेप है बहुत ज़्यादा फास्ट में हो गया, सेकेंड बहुत ज़्यादा स्लो हो गया, थर्ड बहुत ज़्यादा फिर फास्ट हो गया, थर्ड जो है वो ठीक ठीक, फोर्थ ठीक ठीक हुआ, तो हमें क्या पता कि कहाँ पे रिएक्शन का रेट कितना होएगा? मतलब ये तो बहुत सारे स्टेप्स हो गए, तो इसमें क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन स्लो स्टेप रिएक्शन इन मैनी फास्ट रिएक्शन। अब मान लो चार स्टेप की रिएक्शन थी, जो चारों स्टेप में जो सबसे स्लो स्टेप होएगा वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उसी से ही फाइंड होएगा, हम फास्ट वाली रिएक्शन नहीं लेके चलेंगे, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड रिएक्शन ही है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा है और कौन सी कम, मतलब स्लो हो रही है और कौन सी फास्ट हो रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज़ अ एक्सपेरिमेंटली बेस्ड रिएक्शन। ठीक है जी, आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लेती हैं, बट डिटेल में हम आगे जाके ही पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल छोटे से तरीके से बता रही हूँ कि हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने रिएक्टेंट ले लिया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ये क्या इसके कॉफिशेंट्स हो गए जो कि इसकी पावर में चले जाएंगे। अब रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टेंट क्या आएगा, रेट इज इक्वल्स टू, अगर इक्वल टू लिखना है तो के आएगा, अगर इक्वल टू नहीं लगाना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। ठीक है जी,
तो रे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ए के ऊपर इसकी पार लगी, मतलब इसका कॉफिशियंट, कॉफिशियंट कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बी का कॉफिशियंट ऊपर आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के हमने इक्वल टू लगा दिया, तो यहाँ पे के आ गया, के क्या था हमारा, रेट कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए दोनों के जो कॉफिशियंट थे वो पावर में आ गए, मतलब यहाँ पे दोनों की पार को प्लस कर दिया जाएगा, ए प्लस बी, ए कितने 1, बी कितने 1, ए प्लस बी कितना हो गया 2, तो मतलब ये क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ऐसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, इसके ग्राफ, एक्सपेरिमेंटली हम इसको कैसे फाइंड करते हैं, ये सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है जी। आगे जाके आता है रेट लॉ। रेट लॉ के सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए, रेट लॉ क्या होता है, एन एक्सप्रेशन दैट प्रोवाइड अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ रिएक्शन एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इन इट। मतलब क्या है, रेट लॉ क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बताता है, किसमें रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्शन का रेट कितना है और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है रिएक्टेंट की, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, उसको हम बोलते हैं रेट लॉ, ठीक है जी। रेट लो आगे देखते हैं हम, यहाँ पे रेट लो की नोटेशन बता दी, आर, आर क्या है, रेट लो इज इक्वल्स टू के, के क्या था हमारा, रेट कॉन्स्टेंट, ये इसका क्या हो गया, ये रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के ऊपर जो ये है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को शो करता है, ये कॉफिशेंट्स है रिएक्टेंट के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया, आर क्या है रेट, के क्या है के रेट कॉन्स्टेंट, एक्स क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब जब भी आप को एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछते हैं और उसकी आप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हो, तो फॉर्मूलो के आगे आपको ये जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उसको, नोटेशंस को शो करना ज़रूरी है कि ये क्या है, ये क्या है, एग्जामिनर वरना इसके मार्क्स काट लेते हैं। तो जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो ये ज़रूर लिख के आना, वरना आपके मार्क्स वैसे डिटेक्ट हो जाएंगे, आपको पता है, बट एग्जामिनर को तो नहीं पता ना कि ये आपको पता है कि नहीं पता, ठीक है। होप सो आपको समझ आ रहा होगा, अगर नहीं समझ आ रहा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। आगे जाके आते हैं रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, या बहुत ध्यान से समझना रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है। देखिए जी, रेट कॉन्स्टेंट सबसे पहले हम लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू के ए, हमें पता है के क्या है हमारा रेट कॉन्स्टेंट, बट इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कन्वर्टिंग इन टू प्रोडक्ट इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन मोलिक, मतलब ये क्या है हमारा मोल्स, या फिर मोलिकुलरिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कन्वर्ट होएगा प्रोडक्ट में उसके कंसंट्रेशन को हम क्या बोलेंगे, रेट कॉन्स्टेंट, मतलब वन मोलर में कितना है। आइए एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ ये कैसे है। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास 10 रुपये हैं, ठीक है जी, और हम मेरे से किसने वो 10 रुपये 10% पे मांग लिए कि प्लीज़ मेरे को उधार दे दो, मैं आपका उधार बाद में चुका दूंगा, एक बार मेरे को ज़रूरत है, तो आप मेरे को 10% पे 10 रुपये दे दो, ठीक है जी। तो मैं उसको कितने रुपए दूंगी, 1 रुपया दे दूंगी, क्योंकि 10% 10 रुपये का 10% तो 1 ही रुपया हुआ, ठीक है। तो मैंने 1 रुपया उसको दे दिया, तो मेरे पास कितने बचे, 9 रुपये बचे। अब उसने मेरे से फिर मांग लिए 10% पे, तो मैं क्या करूँगी, 0.9 रुपीज़। मतलब क्या है इसका, कि जब मेरे पास 10 रुपये थे मैंने उसको 1 रुपया दे दिया, तो मेरे पास बचे कितने हैं, इतने। अब इतने से भी मैं 10% दूंगी, अब फिर मेरे पास कितने बच गए, 8.1, तो उसका मैंने 10% दे दिया, फिर मेरे पास कितने बच गए, 7.29। इस तरह से जितना हमारे पास बचा है उसका हम 10% करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, जितना रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया उसके बाद जितना हमारा बचा, मान लो इतना था, इतना कन्वर्ट हो गया, उसके बाद इतना बचा, तो वो जो बचा उसके बाद हमारा कितना प्रोडक्ट चेंज हुआ, वो हमारा जो ये चेंज है उसको हम बोलते हैं रेट कॉन्स्टेंट, मतलब एक कॉन्स्टेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ, ठीक है जी। तो ये मैंने छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल लेके आपको समझाया था, सॉरी। आगे जाके हम पढ़ते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट के अब यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है जी। तो हमारा रेट इज इक्वल्स टू के, के के ऊपर ए का कॉफिशियंट, बी का कॉफिशियंट, ये हम मान के चल दिए, ठीक है जी। तो आर, आर के ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो इज इक्वल्स टू के। अब रेट
लॉ का हमें पता है कि क्या होते हैं यूनिट्स, मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड इज इक्वल्स टू आर। अब यहाँ पे ये तो आ गया हमारे आर के, ये हमने रेट कांस्टेंट के नहीं निकाले, ये सिर्फ मैंने आर के यूनिट बताए हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल रिएक्शन लेके चलेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमारा जो ए रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे रेट क्या आ गया, रेट इज इक्वल्स टू के ए एक्स, ठीक है। ए के एक्स ऊपर है, यहाँ पे कॉफिशेंट हम लगा भी सकते हैं, वैसे मैंने शो नहीं करा बट यहाँ पे मान के चलो कि कॉफिशेंट है, ठीक है। तो के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल्स टू आर अपॉन ए के पावर एक्स। रेट का हमें पता है कि क्या होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। और ए रिएक्टेंट का जो है वो कितना होता है यूनिट, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये भी हमें पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर कोफिशेंट एक्स ही रहेगा। अब मान के चल लेते हैं हम कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी तो इसके पार जीरो आ जाएगी। जब इसके पार जीरो आ जाएगी तो हमें पता है, मैथमेटिकल अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि अगर किसी के पार जीरो होती है तो वन हो जाता है। तो ये वन हो गया, तो ये बचा कितना, सिर्फ मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये पर है तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, जीरो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये यूनिट्स हो गए, ठीक है। ये यूनिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हो तब भी आपको चार ऑप्शन देके पूछ लेगा, हाँ जी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स क्या हैं, फर्स्ट ऑर्डर के क्या हैं, सेकंड ऑर्डर के क्या है। तो ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखना। इससे आपको कोई भी ऑर्डर की अगर आपकी रिएक्शन है तो वहां से आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखिए, हमारी आगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे हम एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे। जब हम एक्स की जगह पे वन पुट करेंगे, एक मोल डेसीमीटर से कट कर जाएगा, तो यहाँ पे बचा कितना, सिर्फ सेकंड। तो सेकंड इनवर्स इसके क्या होगा, यूनिट। अब सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पे टू पुट करेंगे, एक मोल से एक मोल कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ गया, मोल पर सेकंड, सेकंड पर सेकंड, ठीक है। और इसका इन्वर्स, सॉरी, मोल पर इन्वर्स, सेकंड पर इन्वर्स, डेसीमीटर पर इन्वर्स, ठीक है। ये क्या हो गया इसके सेकंड ऑर्डर के। ऐसे ही हम यहाँ पे nth ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे मोल डेसीमीटर n लिख देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये मैथमेटिकल है, आप बहुत इजी से इसको फाइंड कर सकते हो, मैंने इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वन आ गया तो ये इसकी पार एड हो जाती है, हमें पता है, ठीक है। सेकेंड इनवर्स, तो ये आ गया इसका फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हमने किसी की भी वन ऑर्डर की फाइंड करनी है, टू की, थ्री की, कितनी भी ऑर्डर की फाइंड करनी है अगर हमने यूनिट्स, तो वो यहाँ पे पुट करिए तो आपको यहाँ पे यूनिट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर की करनी है तो जीरो फिल करा, ये आ गई, वन करा तो वन, ये जीरो हो गया, जीरो की पावर वन होगी तो ये सेकेंड इनवर्स आ गया। ऐसे हम मल्टीपल्स कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के यहाँ पे यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, केमिकल काइनेटिक्स पूरा चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन, ठीक है जी। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ये हम सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर किसी की कोई भी क्वायरी है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछिए। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहना, ओके।